हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 12,000। तो 12,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर अभी इस टाइम पर कौन कौन से बेस्ट 5G स्मार्टफोन आते हैं वही आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में 12,000 के प्राइस पॉइंट के आसपास जो जो 5G बेस्ट स्मार्टफोन आते हैं वही बात करेंगे। तो 3 5G स्मार्टफोन आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा जिनका प्राइस 12,000 के आसपास होंगे और अभी इस टाइम पर वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन कह सकते हो, जहां पर आपको सभी फीचर्स भर भर के मिल जाएंगे और सबसे कम प्राइस में 5G आपको मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना। तो नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन आते हैं वो इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 25G स्मार्टफोन। दोस्तों 5G फ़ोन है तो प्राइस की बात करूँगा, 4GB 64 वाला भेड़ आपको मिल जाएंगे 11,500 के प्राइस पॉइंट के अंदर। तो 11,500 के प्राइस पॉइंट के अंदर बहुत ही शानदार 5G फ़ोन मिल रहा है, जहाँ पर वो सभी फीचर्स बहुत ही शानदार देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस फोन में हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.58 इंच IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएंगे एंड 120Hz रिफ्रेश रेट भी दिया हुआ है डिस्प्ले में। तो बहुत ही शानदार डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, लुक्स अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, वहाँ पे अच्छे लुक्स रखा गया है। ग्लास फोन मिलते हैं, प्लास्टिक बैक एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम देखने के लिए मिल जाएंगे। लुक्स भी ठीक ठाक रखा गया है जब स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड इस फोन की वेट की बात करते हैं, 204 ग्राम वेट रखा गया है। कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएंगे रियर की तरफ से। तो 50MP की कैमरा दिया गया है मेन सेंसर डुअल कैमरा की एंड यहाँ पे सेल्फी कैमरा जो कि यहाँ पे 8MP की कैमरा दिया हुआ है। तो कैमरा भी ठीक ठाक कैमरा यहाँ पे यूज किया गया है। एंड बैटरी की बात करूंगा, इस फोन में 5000mAh की बैटरी दिया गया है, 18W की फास्ट चार्ज भी दिया है बॉक्स के अंदर ही। फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यूज किया गया है इस फोन में। हेडफोन के लिए 3.51 जैक भी देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड दोस्तों फाइनली बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो मीडियाटेक डायमंडसिटी 810 प्रोसेसर यहाँ पे यूज किया गया है। 810 प्रोसेसर मिलते हैं डायमंडसिटी के जो 6 नैनोमीटर पर वॉक करते हैं। यहाँ पे गेमिंग भी बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग कर पाओगे एंड नॉर्मली यूजिंग में प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे इस फोन में, जो कि 11,500 के प्राइस पॉइंट के अंदर 5G तक मिल ही रहा है। साथ ही साथ जब और फीचर्स है वो भी ठीक ठाक है, प्राइस की सभी बहुत ही शानदार फीचर आपको इस फोन में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 25G स्मार्टफोन को अभी इस टाइम पर डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। दोस्तों इस बार बात करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 2 पोजीशन पर जो स्मार्टफोन आते हैं वो वीवो की न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन वीवो T2X 5G स्मार्टफोन। दोस्तों ये फोन बहुत ही शानदार डील हो सकते हैं आपके लिए। सबसे पहले इस फोन के प्राइस की बात करूंगा, 4GB 128 भी आपको मिल जाएंगे 13,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर। तो 13,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर बहुत ही शानदार फोन आपको मिल रहा है। 5G फोन तो है ही एंड 5G के अलावा बाकी और फीचर्स भी बहुत ही शानदार यूज किया गया है इस फोन में। तो चलिए देखते हैं इस फोन में क्या क्या मिलता है। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.58 इंच IPS LCD स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो डिस्प्ले भी ठीक ठाक डिस्प्ले यूज किया गया है। लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, लुक्स अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत ही शानदार लुक्स रखा गया है। प्लास्टिक यूज किया गया है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी ग्लॉसी फिनिश के साथ आएंगे, देखने काफी अच्छे लगते हैं। कैमरे की बात करूंगा, इस फोन के रियर कैमरे में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसका मेन सेंसर 50MP की एंड 2MP की और एक कैमरा देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड सेल्फी कैमरे में यहाँ पे 8MP की सेल्फी कैमरा रखा गया है। बैटरी की बात करते हैं, यहाँ 5000mAh की बैटरी यूज किया गया है एंड 18W की फास्ट चार्ज भी दिया हुआ है। फिंगरप्रिंट जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यूज किया गया है। हेडफोन के लिए 3.5 जैक भी देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड दोस्तों फाइनली बात करूंगा इस फोन की प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ प्रोसेसर भी बहुत ही शानदार पावरफुल प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएंगे। मीडियाटेक डायमंडसिटी 6020 प्रोसेसर यहाँ पे यूज किया गया है, जो एक ठीक ठाक प्रोसेसर है, प्राइस की दिख से पावरफुल प्रोसेसर आप कह सकते हो, जहाँ पर गेमिंग भी बहुत ही शानदार तरीके से कर पाओगे। नॉर्मली यूज में कोई प्रॉब्लम आपको इस फोन से देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो वीवो की जो न्यूली लॉन्च्ड फोन वीवो T2X 5G स्मार्टफोन, जो इसका बेस वेरियंट 4GB 128 परचेस कर सकते हो 13,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर।
दोस्तों इस बार बात करते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 1 पोजीशन पे जो स्मार्टफोन आते हैं वो पोको की तरफ से पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन। पहले इस पर की प्राइस की बात करूंगा, 12,000 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, 1 से लेकर 2,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसके बाद आपको पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन मिल जाएंगे, लेकिन ये फोन वन ऑफ द बेस्ट डील होगा जहां पर आपको बहुत ही शानदार फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, एकदम पावरफुल फोन आपको मिल जाएंगे 5G कनेक्टिविटी के साथ ही साथ। तो यहाँ पे सेल के दौरान इस फोन को परचेस करने जाओगे तो 12 से लेकर 13 के अंदर ही मिल जाएंगे, लेकिन नॉर्मल टाइम में इसको परचेस करते हो तो इसका बेस वेरिएंट जो आपको मिल जाएंगे 14,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर। लेकिन ये फोन बहुत ही शानदार फोन है, इनके तरफ डेफिनेटली जा सकते हो, एंड आपके पास 14,000 नहीं है तो ऊपर के दो फोन ले सकते हो, 12-13 के अंदर ही इजिली आ जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं तो बहुत ही शानदार डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएंगे, बड़ा डिस्प्ले यूज किया गया है, 6.6 इंच IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएंगे 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। तो बहुत ही शानदार डिस्प्ले क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इस फोन में। लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूंगा, लुक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत ही शानदार लुक्स के साथ आते हैं, देखने में काफी अच्छे लगते हैं। ग्लास फ्रंट मिलते हैं, प्लास्टिक बैक एंड प्लास्टिक कई फ्रेम देखने के लिए मिल जाएंगे, ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं, देखने में बहुत ही शानदार लगते हैं। एंड इस फोन की वेट जो कि 195 ग्राम वेट रखा गया है। कैमरे की बात करूंगा तो रियर की तरफ से इसमें डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसका मेन सेंसर रखा गया है 50 MP के, एंड उसके साथ 8 MP के अल्ट्रा वाइड सेंसर यूज किया गया है रियर कैमरे में। बहुत सारे फोटोग्राफी मोड अवेलेबल है जहां पर बहुत ही शानदार शानदार पिक्स आप ले पाओगे इस फोन के रियर कैमरे से। एंड सेल्फी कैमरे यहाँ पर 16 MP की सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां पर भी बहुत ही शानदार पिक्स ले पाओगे। बैटरी की बात करूंगा तो इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी यूज किया गया है, एंड साथ ही साथ 33W की फास्ट चार्ज भी दिया गया है बॉक्स के अंदर ही, जो काफ़ी अच्छी बात है, बहुत जल्दी फ़ोन चार्ज इजीली हो जाएंगे। फिंगरप्रिंट जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यूज किया गया है इस फोन में भी आपको हेडफोन के लिए 3.5 mm जैक देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड फाइनली बात करूंगा इस फोन के प्रोसेसर के बारे में तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर यूज किया गया है इस फोन में, जो ठीक ठाक प्रोसेसर प्राइस के दिख से पावरफुल प्रोसेसर कह सकते हो, जब आप गेमिंग भी बहुत ही शानदार तरीके से कर पाओगे, नॉर्मल यूज में कोई प्रॉब्लम आपको इस फोन में देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो पोको की तरफ से पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन का भी इस टाइम पर डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, जो बहुत ही शानदार फीचर्स आपको मिलते हैं, लेकिन 12,000 से 2,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, पर इस फोन को सेल के दौरान परचेस कर सकते हो तो 12,000 के अंदर ही अंदर इजीली फोन मिल जाएंगे।